हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल ग्रामीण ज्ञान जॉब। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट का फॉर्म सुधार एंड करेक्शन कैसे करें। आपको स्टेप बाय स्टेप इस यूट्यूब के माध्यम से बताएंगे। मेरे चैनल को एक बार लाइक जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना होगा, उसमें आपको टाइप करना होगा BSTET बिहार स्टेट लिख के उसको सर्च करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इस प्रकार का ऑप्शन आया, इसको आपको फर्स्ट वाला क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए नीचे नोटिफिकेशन दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका सुधार आपका 12 जनवरी से 17 जनवरी तक है। और फ्रेंड्स, इसका डमी एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया। तो चलिए, इसका करेक्शन एंड सुधार और डमी एडमिट कार्ड किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ डमी एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कैंडिडेट का आपको मोबाइल नंबर और आपको यहाँ पर पासवर्ड देना होगा। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास पासवर्ड अभी है, पासवर्ड और मोबाइल नंबर देके उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका इस प्रकार का फॉर्म पूरी तरह से खुल जाएगा। तो चलिए, मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें आपको क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं और क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले, इसमें आपका अपना जो कैंडिडेट का नाम है वो करेक्शन नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको सारा इसमें करेक्शन कर सकते हैं, आपका स्टेट करेक्शन कर सकते हैं, आपका मदर का नाम, फादर का नाम, उसके बाद ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फ्रेंड्स जेंडर, यानी नाम के अलावा आप सारा इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको और एक चीज़ बता दें कि इसमें यदि आपका क्लास 9 और 10 है, यदि आप 11 12 करना चाहते हैं या बोथ करना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फ़ी है वो अलग से इसका फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आपको कास्ट चेंज करना है, पहले आप जनरल में थे, अभी OBC ST में आ गए, तो उसमें भी आपको पैसा फिलअप करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग आपको बता दें कि आपको देखिए सारा डिटेल यहाँ पर खुल गया, आपको जो चेंज करना कर सकते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरा यहाँ पे सोशल साइंस, यहाँ यदि हमको मैथ साइंस या कुछ और यदि करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं और सुधार भी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अकाउंट नंबर यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। सारा चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर भी आप देख सकते हैं कि यदि आपको फिर भी लगा कहीं गलत है तो फिर आप सुधार कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप प्रिंट आउट इसका रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका देखिए यहाँ बताते हैं आपका डेमी एडमिट कार्ड यहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। तो चलिए, डेमी एडमिट कार्ड आपका, ये डेमी एडमिट कार्ड इसका डाउनलोड हो गया। इस डेमी प्रवेश पत्र के विवरण यदि किसी प्रकार त्रुटि प्रचलित होती तो आप इसे यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। डेमी प्रवेश पत्र की त्रुटि ऑनलाइन सुधार 12/1/2024 से 17/1/2024 तक की अवधि अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित कर देगा। डेमी प्रवेश पत्र की अवच्छाती का रोल नंबर, परीक्षा केंद्र में नाम, परीक्षा तिथि, समय अंकित नहीं किया गया, मूल प्रवेश पत्र से अंकित किया जाएगा। यह डेमी प्रवेश पत्र परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र के प्रवेश की अनुमति हेतु मान्य नहीं होगा। पर मूल प्रवेश पत्र जारी होने के किसी भी प्रकार त्रुटि का सुधार नहीं किया, इसीलिए अवच्छाती स्वयं जिम्मेदार हो गया। तो कहने का फ्रेंड्स, आपका डेमी इसीलिए दे रहा कि आप देख सकते हैं कि आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, यदि कुछ आप नाम तो सुधार नहीं होगा, आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जनरल और इससे वो कुछ भी रखना है तो आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। तो आप बिहार से तो आपको OBC या ST/SC कर सकते हैं, बाकी दूसरा स्टेट के लिए आपको तो जनरल से फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट आउट आप इस प्रकार रख सकते हैं। तो हो फ्रेंड्स के साथ आप मेरा वीडियो कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं कोई वीडियो टॉपिक, तो चले जाइए। जय हिंद, जय झारखंड। टाइम इन वॉच।